हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बेसन पिटोर। बहुत ही टेस्टी यमी ब्रेकफास्ट है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। जीरो ऑयल रेसिपी है ये, तो हर किसी को पसंद आएगी। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका और बनाने में बहुत ही आसान। एक बाउल में हम दो बड़े चम्मच बेसन लेंगे। बेसन हमने छान लिया था। बिल्कुल बारीक फाइन पिसा हुआ बेसन हमने लिया है। एक पिंच हम यहाँ हींग ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। दो मिर्च हमने काट के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है। 5-6 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। दो चम्मच कर्ड हम इसमें ऐड करेंगे। जो लोग कर्ड और बेसन साथ में नहीं खाते वो यहाँ 2 चम्मच नींबू ऐड कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच हमने हल्दी ऐड की है। 1/4 चम्मच हम यहाँ रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। अब हम 1 गिलास पानी से इसको भून लेंगे। बैटर हमें लिक्विडी फॉर्म में लेना है। इस तरह 1 गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए बैटर अभी भी गाढ़ा है, तो हम 1 गिलास पानी और इसमें ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से इसको भूनना है, जैसे सब मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम पैन को गर्म करने रख देंगे और इसमें बैटर सारा डाल देंगे। लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। इसी तरह चलाते हुए इसको पकाना है। धीरे धीरे बेसन थिक होता जाएगा। बेसन पिटोर बनने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। इस तरह धीरे धीरे देखिए ये थिक होता जा रहा है। और कलर भी इसका चेंज हो गया है। कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो गई है। देखिए कुछ समय के बाद ये नीचे गिर रहा है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। एक प्लेट में जिसमें हमें पिटोर जमाना है उसको घी से ग्रीस कर देंगे और सारा पिटोर इसमें डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से सेट कर दिया है। रूम टेम्परेचर पर इसके 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। इसको कट करने में आसानी होगी। देखिए ठंडा हो गया है। अब हम नाइफ पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे, जिससे पिटोर हमारा बिल्कुल नाइफ पर चिपकेगा नहीं और अच्छे से कट जाएगा। साइज हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। हमने स्क्वायर शेप में कट किया है। चारों तरफ से भी हम नाइफ को कर देंगे। इस तरह एक एक पीस करके हम पिटोर को अलग कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। इस तरह सारा प्लेट में हम निकाल लेंगे।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम इसे धनिया पत्ते से गार्निश कर देते हैं।